वहीं यूपी कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। नव नियुक्त कार्यकारिणी की आज अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी। पार्टी पदाधिकारियों को दी जाएगी जिम्मेदारी। तीन राज्यों में हार और यूपी कांग्रेस में मंथन होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लेंगे बैठक। तो आज अजय राय लेंगे बैठक, आज बड़ी बैठक बताई जा रही है कांग्रेस की, यूपी कांग्रेस की। यहाँ पे नव नियुक्त कार्यकारिणी की बैठक लेंगे, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके लिए पार्टी पदाधिकारियों को क्या जिम्मेदारी देनी है, इसको लेकर आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, आज ये अहम बैठक हो रही है, क्या कुछ खास एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? देखिए, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। चूंकि नई कार्यकारिणी गठन होने के बाद ये पहली बैठक बुलाई गई है, तो इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर नए सिरे से जो है मंथन होगा। चूंकि तमाम अलग अलग राज्यों के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस अब एक नए सिरे से उत्तर प्रदेश में अपनी फिर से मजबूती करने की कोशिश में लगी हुई है। और ख़ासतौर से उनका जो फैक्टर है उनका एम फैक्टर, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक पर वो फोकस कर रहे हैं, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर, चूंकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो अपनी तैयारियां 80 लोकसभा सीटों पर कर रही है, लेकिन गठबंधन अगर होगा तब उसके बाद का फैसला बाद में होगा। तो इन्हीं हिसाब से आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इन सीटों को लेकर चर्चा होगी। अलग अलग जगहों पर जो जिम्मेदारियां हैं वो दी जाएंगी। इसके साथ साथ अलग अलग अभियानों को लेकर भी आज एक नई रूपरेखा जो है वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है वो बनाएंगे। बने रहिए विशाल, क्योंकि और भी कुछ खबरें हैं जिस पर आपसे अपडेट लेंगे। इस खबर के बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं।